बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़, और आप सबको हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, और इस ईद जैसी आपकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ आपको देखना नसीब करे। इस दुआ के साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज के व्लॉग में मैं आपको अपने ईद के दिन की जो रूटीन है वो दिखाऊंगा। ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ चुके हैं और कुर्बानी भी ज़िबा कर ली है। जो हमने मेंढा लाया था कुर्बानी के लिए वो ज़िबा कर लिया है, और बाकी जो दिन का प्रोग्रेस है, दिन के काम हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वो जो अब्बा जी के हुक्के के लिए आग जलाई थी, वो हुक्का मैंने तैयार नहीं किया था। अब्बा जी ने कहा था कि जब कुर्बानी कर लूँगा तो फिर ताज़ा हुक्का रख के देना, तो अभी कुर्बानी अब्बा जी ने कर ली है, ताज़ा हुक्के के लिए आग चलाई है। आग कोयले तैयार हो जाते हैं तो फिर मैं हुक्का तैयार करूँगा। अब्बा जी का हुक्का तैयार कर लिया है और कुर्बानी ज़िबा कर ली है, अब बना रहे हैं गोश्त। वो सीन मैं आपको दिखाता हूँ। भाई जान और शाहिद भाई धड़ाधड़ लगे हुए हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम किसी कसाई को नहीं बुलवाते, भाईजान खुद ही कुर्बानी ज़िबा करते हैं और ख़ुद ही गोश्त बना लेते हैं। माशाल्लाह भाईजान का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, लेकिन इस साल भाईजान ने तकबीर नहीं की, बल्कि अब्बा जी ने माशाल्लाह खुद अपने हाथों से तकबीर की है। उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। तो अभी गोश्त वग़ैरह तैयार करते हैं, उसके बाद खाना होगा। खाने के बाद भाईजान की तरफ जाएंगे और कुर्बानी ज़िबा करेंगे। यहाँ से मोटी लकड़ी निकालनी पड़ेगी रोटियों के लिए भी, और चूल्हे में आग जलाने के लिए भी, क्योंकि बेगम साहिबा कह रही हैं कि आज चूल्हे पे हम गोश्त पकाएंगे, तो लकड़ियाँ निकाल लेते हैं। अच्छा जी, गोश्त पक रहा है और बेगम साहिबा किसी और काम के लिए गई हैं। शायद वो दोनों बहनें आटा गूंथ रही हैं, किसी और काम में मसरूफ है, और मैंने तवे के लिए बालन तैयार कर लिया। अच्छा जी, कुर्बानी ज़िबा करके जो गोश्त बांटना था वो भी बांट दिया, और दोपहर का खाना भी खा लिया है। अभी दो चार पहियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मेरी और एक शाहिद भाई की, उसमें और हुमैरा लोग नीचे सो जाएंगे, बच्चों को भी सलवा देंगे, शाम को फिर खाना बनाएंगे। तो खाना शाम का खाने के बाद फिर शाहिद भाई लोग विदा हो जाएंगे, और शाम तक जो भी सीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल खाना खाने के बाद बड़े कमाल की नींद आ रही है, तो अभी आराम करते हैं। यानी कुछ यूँ है कि चाय पी ली है और दोपहर में थोड़ा सा आराम किया था, उसके बाद नमाज ज़ुहर अदा की, चाय पी, और अभी मौसम बड़ा ही सुहाना होने चला है। कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो ये जो चारपाइयाँ हैं, सहन मैंने धोया था तकरीबन 3 बजे, क्योंकि यहाँ बैठ के गोश्त बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा होता, सहन मैंने धो लिया था। ये जो चारपाइयाँ हैं इनको बिछाते हैं सहन में, और बाकी की बातें फिर बाद में। गजुज़बान मेहमान पानी देने लगी है। गजुज़बान आदत जी हो गई है, कोई मेहमान आवे तो उन्हें बोतल ना दो, तो पानी देगी तो शरबत दी है। मेहमान आ चुके हैं, छोटे बड़े, और उधर से अब्बा जी भी आ गए हैं। अब्बा जी इधर आ जाओ, अच्छा जी। सारे मेहमान छत पे आए हुए हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और इस मौसम को कर रहे हैं इंजॉय। आज खुशी का दिन भी था, थका देने वाला दिन भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस मालिक की ज़ात का कि ईद खुशियों से गुजरी।
तो आज के ब्लॉग को बस यहाँ पे ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें, जहाँ हों खुश रहें, आबाद रहें, और इस ईद जैसी हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको देखना नसीब फरमाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।